up, everybody? This is Abhishek and Vachel. What's up, everybody? This is Abhishek and you are watching our vlog. Swagatam Sabika. Let's go. तो आज का जो वीडियो है मेरे बाइक पे लेकर के है कुछ मतलब ऐसा है तो आज का जो वीडियो है मेरे बाइक पे लेकर के बेटा तुमसे ना हो पाएगा आज का जो वीडियो है मेरे बाइक पे लेकर के है क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है कुछ नहीं मतलब बहुत अच्छी खासी प्रॉब्लम आ गई है उसमें आ गई थी अभी ठीक हो गया है मतलब अभी कुछ ऐसा सीन है कि मैंने बाइक की सर्विसिंग कराई थी हो गए दो हफ्ते हो गए उसके बाद सर्विसिंग के बाद यूजली क्या होता है बाइक में लोगों की बाइक अच्छी हो जाती है मेरी सर्विसिंग के बाद लग गई उसकी पूरी उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आया कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी फ्यूल पंप में प्रॉब्लम आ गया था बैटरी चार्जिंग नहीं उठा रही थी मैं मतलब तीन बार मतलब लग रहा ऑफिस में फंस चुका था मतलब बाइक स्टार्ट ही नहीं होती थी तो उसके बाद मैं वीडियोज़ वगैरह भी बना रहा था और वो जो सर्विसिंग वाली वीडियो थी वो मैंने बनाई थी सर्विसिंग की पूरी वीडियो बनाई थी वहाँ पर क्या क्या हुआ था कैसे हुआ था सब बनाई थी तो पहले मतलब हाँ दो स्टोरीज हैं तो दोनों का अलग अलग पहले बताता हूँ तो बाइक के साथ ये हुआ था तो अभी मतलब दो तीन दिनों से यहाँ पे पास में एक सोनू भैया करके हैं उनका मतलब अभी वो मेरे बाइक को देख रहे हैं तो एक दो बार अभी उन्होंने देखा तो फ्यूल वाली एक तो इशू थी फ्यूल पाइप की इशू सॉरी फ्यूल फिल्टर होता है उसका प्रॉब्लम था वो जाम चल रहा था उसको उन्होंने ठीक कर दिया बाइक स्टार्ट होने लगी थी उसके बाद फिर ECU उसमें होता है जो बाइक का पूरा कंप्यूटर कंट्रोल करता है मतलब जो भी एरर मालवेयर वगैरह जो भी होता है वो पूरा सॉफ्टवेयर उसका है बाइक का उसमें उसको कंट्रोल करता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी तो उन्होंने उसको भी ठीक कर दिया उनका तो एक्चुअली मैं थैंक्स बोलूँगा क्योंकि मेरा ऑफिस में बाइक बंद हुआ था और वो रात को ऑफिस आया अपनी स्कूटी मुझे दी है बाइक लेके गए और मतलब ठीक किया तो अगर होगा तो भी हम लोग जाएंगे उनके पास अभी भी जाना है मिलने और फिर क्या हुआ कि जब बाइक इधर आई तो वहाँ पता चला कि वहाँ प्रॉब्लम ये हुआ है कि कॉइल में कुछ तो प्रॉब्लम है बैटरी चार्ज नहीं उठा रही मैंने बाइक में बैटरी चार्ज कराई उसके बाद जब तक वो चार्ज थी वो चल रही है उसके बाद चार्ज खत्म हो गई तो बाइक मतलब बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी तो कॉइल चेंज कराया फिर बैटरी चार्ज होने लगी वो इशू खत्म हो गया वो भी फिक्स अभी क्या हो गया कि सब कुछ कराने के बाद जो क्या बोलते हैं रेडिएटर नहीं कुछ तो भी बोलते पीछे में एक मैं फ़ोटो डाल दूंगा साइड में उसका इसमें वो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा उसको टच करने पर अगर बाइक रनिंग हो रही है तो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था अभी उसको हमें ठीक कराना और एक और इंसिडेंट क्या हुआ कि जितनी भी सारी स्टोरी है मैंने व्लॉग बनाया था और ये एक्शन कैमरा में था इस वाले कैमरा मैंने उसको रखा था सब कुछ और क्या सीन हो गया कि मैंने अभी जैसे पुराने वाले फ़ोन में भी वीडियो था तो मतलब जो मेरा आईफोन 7 प्लस था उसमें मतलब 256 GB स्टोरेज था तो और अभी जो मैंने नया फ़ोन लिया उसमें 128 GB स्टोरेज है तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सारा डेटा इसमें ट्रांसफ़र कर दूँ तो मैंने क्या किया था लैपटॉप में डाला और मतलब ज़्यादातर मैंने मतलब व्लॉगिंग वाले पार्ट्स को मैंने मेमोरी कार्ड में सेपरेट रख देता हूँ उसको एडिट करने में मेरे को ईजी रहेगा तो इसलिए मैंने उसको मेमोरी कार्ड में डाला था और गलत था अभी मैंने क्या किया कि वो कैमरा के लिए मैंने एक फ़ोन एप्लीकेशन डाउनलोड किया फ़ोन में और गलती से मैंने मेरे को क्या करना था इसका वाइड एंगल मतलब एक्टिवेट करना था तो मुझे वहाँ पे एक फॉर्मेट दिखा कि मुझे लगा कि वीडियो का कुछ फॉर्मेट वगैरह मेरे को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ तो उसके लिए मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया डेटा पूरा फॉर्मेट हो गया तो अभी मैं लगा हुआ हूँ मतलब ट्राई कर रहा डेटा अगर रिकवर हो जाता है तो वो ब्लॉग्स भी आ जाएंगे और हम लोग कहते हैं फैमिली के साथ गो करना भी कहते हैं और तीन दिन का ट्रिप था उधर तीन दिन का ब्लॉग भी था और काफ़ी अच्छा मतलब मैंने शूट करके उसको रखा था लेकिन अभी क्या है कि सब मेमोरी कार्ड में था और सब डिलीट हो गया अगर मैं एक से दिखाता हूँ तो यहाँ देखो तो मैं लगा हूँ कि ये बस कैसे भी रिकवर हो जाए अभी तो रिकवर हो रहा है कुछ कुछ इसमें था सारा मेमोरी कार्ड लाइक जब भी मैं इसको रिकवर करने के बाद क्या सॉफ्टवेयर में शो कर रहा है कि हाँ ये सारे फाइल्स थे ये सारे वीडियोज़ है तो मैं देख सकता हूँ ठीक है लेकिन जब भी मैं उनको डिवाइस में सेव कर रहा तो मुझे पे करने को बोल रहा है जो कि मुझे करना नहीं है और वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा चार्जेस हो रहा है लाइक $79 एंड ऑल अभी देखता हूँ क्या हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें वीडियोज़ है पूरे को कर रहा ट्रिप के मेरा सारा है ये बाइक का इशू का जितना कुछ होता सारा ट्राई कर रहा रिकवर हो गया तो अच्छी बात है नहीं हुआ तो भगवान भरोसा बट नहीं होगा तो ख़त्म सारे ट्रिप का सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा वहीं पे पर ठीक है तो अभी चलते हैं अभी जहाँ से आएंगे सीधे सोनू भाई के पास फिर वहाँ जाके बाइक लेके जाएंगे हम लोग मतलब बैटरी सब चेक कराते हैं क्या सीन है क्या लोगे काजू I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes
तो अभी चलते हैं। सोनू भाई को कॉल कर लिया था। दो तीन चीजें, एक तो इसमें क्या कि न्यूट्रल पे रहता है तो ही स्टार्ट हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, सेल्फ नहीं लगता भाई गियर में, गाड़ी तो क्लच लेके भी नहीं लगेगा, पता नहीं क्या ही सीन है। चलते देखते। एक तो मैं ढंग से सोया नहीं रात को यार, थोड़ा थोड़ा सिर दिख रहा है। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all. Thoda feel bhi kam lag raha hai isme, kyunki bijli ne abhi thodi si zarb li hai isme, to kaam karta hu, यहीं से फिर से जाता हूँ। यहाँ से छोटा सा मतलब वही रूल टूटेगा और क्या, मतलब मेरे को इधर से मोटर नहीं है ना, सामने जो गली उधर जाने का है, इधर से फिर जाता हूँ, इतना चलता है। एनीथिंग लाइक लाइफस्टाइल व्लॉग और ट्रिप विथ फैमिली और समथिंग। तो यहाँ पे इनकी बाइक ठीक होने आई थी, कैमरा वगैरह देख के बोल रहे हैं क्या यूट्यूब। तो यहाँ से भी क्या है कि सोनू भाई के पास ये इलेक्ट्रिक वाला उतना काम करते नहीं है, बट अभी इन लोगों का एक होता है कॉन्टैक्ट। क्या हुआ? तो इन लोगों का कॉन्टैक्ट होता है तो अपने बंदे भेज रहे साथ में, वहां जाके बैटरी वैटरी का चेक कराना है सब। ये बंदे हमारे साथ चलेंगे। इतनी ज्यादा गर्मी हो रहा है, मेरे पैर में हीट फील हो रहा है, तो मैं स्लीपर पर से सुना रहा हूँ, आज फील हो रहा है कितना हीट होता है नीचे। नहीं बैटरी वैटरी कुछ डाउन नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा हीट हो रहा है बस। इधर देखो ये वाला कवर इसका मेल्ट भी हो रहा है वैसे, ये सब देखो। तो इसका ये वाला जो पार्ट है बहुत ज्यादा हीट हो रहा का कुछ इश्यू है क्योंकि बैटरी में वोल्टेज पूरा करेक्ट आ रहा है, 14 आना चाहिए, 14 आ रहा है। रेक्टिफायर का कुछ तो दिक्कत है। इसका कुछ इश्यू है क्योंकि बैटरी में वोल्टेज पूरा करेक्ट आ रहा है, 14 आना चाहिए, 14 आ रहा है। रेक्टिफायर का कुछ तो दिक्कत है। तो शायद सोनू भाई बोल रहे हैं कि वो मंगा देंगे, उनके शॉप में लग जाएगा। यहाँ पे बस हम लोग को कन्फर्म करने आना था कि हाँ ये इशू और कोई दिक्कत नहीं है। तो भी एक मैकेनिक ने तो बोल दिया कि हाँ रेक्टिफायर का दिक्कत है, तो पहले अभी हमने सोचा कि इसमें से निकाल के उसमें डाल दे और फिर चेक करे कि हाँ मतलब वही प्रॉब्लम है या कुछ और है, बट इसका प्लग अलग है। ये वाला जो प्लग है इसमें बहुत छोटा है, हमारे में कैसा है बहुत। तो अभी सब कुछ करने के बाद हमने रेक्टिफायर चेंज कर दिया। रेक्टिफायर चेंज करने के बाद मैं अभी घर लेके आया उसको, तो अभी देख चेक किया कि हाँ गर्म तो हो रही है,
क्योंकि अभी अगर मैंने हम लोगों ने मल्टीमीटर में बैटरी का पावर चेक किया, 14 होना चाहिए और 14 टच हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। मतलब बैटरी में पावर अच्छे से सप्लाई हो रहा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, बट पता नहीं वायर हीट क्यों हो रहा है, क्योंकि पावर में कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हाई वोल्टेज जा रहा है, वो भी नहीं जा रहा है, नॉर्मल सा जा रहा है पावर। तो हमें लगा कि रेक्टिफायर का कुछ इशू होगा, तो रेक्टिफायर हमने नया डाल दिया, बट अभी भी वायर गर्म हो रही है। तो जो सोनू भाई, उन्होंने बोला कि ठीक है, नहीं, क्योंकि बजाज वालों का सबसे बुरी चीज़ क्या है कि अगर एक बार आपने पार्ट्स ले ली, उसको इंस्टॉल किया, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, डोंट केयर अबाउट इट, वो रिटर्न नहीं करेंगे, तो आपको रखना ही पड़ेगा वो। तो सोनू भाई बोले चलो ठीक है, अभी क्या ही आप, और वो अप्रोक्स 2000 का है, तो मैं ऐसी फालतू का लेके कोई मतलब नहीं बनता मेरे पास रहेगा तो क्या। सोनू भाई को अपने पास रख लेंगे, उसका कोई सीन नहीं है, तभी पुराना वाला उन्हीं के पास है, नया वाला इसमें डाल के चला रहे। बोला उन्होंने कि 2 दिन चला के देखते हैं, 2 दिन के बाद अगर कुछ इंप्रूवमेंट दिखता है तो ठीक है, नहीं तो कॉइल का कुछ तो इशू है, क्योंकि वायर हीट होने का 2 ही रीज़न है, या तो कॉइल का या तो रेक्टिफायर का। तो कॉइल मैंने रिसेंटली चेंज कराया, तो मुझे हो सकता है उसकी वजह से, बट रिसेंटली नया डाला है और ओरिजिनली डाला है इसी का आरएस का ही, तो पता नहीं, मतलब हो सकता है उसमें कोई दिक्कत है। तो मुझे लगा नया डाला तो एक बार इसको भी चेंज करा के देख लेते हैं। और मुझे, मतलब मैं सुबह से सोया हुआ है, कुछ नहीं था, तो मेरे को नींद इतनी आ रही थी, मैं बोला कि अभी इतना रहने देते हैं, 2 दिन चलता है तो देखते हैं, उसके बाद नहीं तो कॉइल का कुछ करते हैं। और उन्होंने बोला कि तुम्हारे किसी दोस्त के पास आरएस है तो उससे एक बार चेक कर लो, उसका भी हीट हो रहा है कि नहीं, शक्ल देख सकते हो क्या गंदा हुआ, क्योंकि कंटिन्यू रोड पे था पूरा, डस्ट वस्ट स्वेटिंग वगैरह। तो अभी जाके फेस वॉश करना है फटाफट, अभी बस वीडियो एंड करने के लिए, तो अभी जाके फेस वॉश वगैरह करूँगा, उसके बाद खत्म करते इस वीडियो को यहीं पर। देखते हैं कुछ हुआ तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, अपडेट मिल जाया करेगा, आईडी साइड में आ रहा है, इधर जाके कर लो और कर ही लेना। ठीक है, अभी सोऊंगा, लिटरली अभी टाइम देखोगे अगर तो अभी हो रहा है 5:27, तो अभी शाम के 5:27 हो रहा है। थोड़ा देर सोता हूँ, देखता हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा। तो मिलता है आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून, और इंस्टाग्राम फॉलो करो, बाय।